हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने गुस्से को 300 रुपये देकर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। चारों तरफ तनाव का माहौल है, काम का दबाव है, बॉस की फटकार है, ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। ये गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता और कई बार किसी दूसरे पर भी निकल जाता है। ऐसे गुस्से में मन होता है कि चीज़ों को जो सामने आए उसे तोड़ दे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब गुस्सा के लिए सिर्फ आपको 300 रुपये खर्च करने होंगे। जी हाँ, आपका ये गुस्सा इतनी आसानी से गायब हो जाएगा कि आपको मज़ा भी आ जाएगा। दरअसल ब्राज़ील में एक ऐसा रेज रूम खास तौर से गुस्सैल लोगों के लिए तैयार किया गया है। ये गोदाम है जहाँ कंप्यूटर, टीवी और प्रिंटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रखी हुई हैं। साथ ही वहाँ बेसबॉल बैट और हथौड़े आदि भी रखे हुए हैं। गुस्से से भरे हुए लोग इस अनोखे कमरे में जाकर हथौड़े या बैट हाथ में लेकर किसी भी उपकरण पर टूट पड़ते हैं और उन्हें तोड़ सकते हैं। इससे उनका तनाव काफ़ी हद तक कम या ख़त्म हो जाता है। ये जगह ब्राज़ील के 42 वर्षीय वेंडली रोड्रिग्स ने खोली है। रेज रूम में अपनी भड़ास निकालने के लिए $4.64 यानी लगभग 300 रुपये खर्च करने होते हैं। उस कमरे में एंट्री लेने से पहले शख्स को सेफ्टी सूट, हेलमेट पहनना पड़ता है। उन्हें दीवार पर वे मुद्दे भी लिखने होते हैं जो उनकी परेशानी की मुख्य वजहें हैं। रेज रूम की दीवारों पर फिलहाल ब्रेकअप, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे शब्द लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वर्ल्ड्स की इन बेहतरीन फैक्ट्स को लेकर बने रही हमारे चैनल नॉलेज इन्फो के साथ। धन्यवाद।